अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों के लिया के फाह ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए। तो सिद्धू की नजर में बेअदबी के लिए मौत के सिवा और कोई सजा हो ही नहीं सकती। ऐसा सिर्फ वो कह ही नहीं रहे बल्कि भीड़ के बीच खड़े होकर लोगों को ललकार भी रहे हैं, उकसा भी रहे हैं और तालियां भी बटोर रहे हैं। सामने लोगों के ले आके फाह ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की सब तो वड्डी सजा देनी चाहिए। सब तो वड्डी सजा इस संविधान की देनी चाहिए है। ये तालियां सियासी फायदे के लिए तो ठीक है, लेकिन देश के लिए उतनी ही घातक, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ तालिबान का राज नहीं है कि सरेराम फैसले सुना दिए जाए। लेकिन लगता है कि सिद्धू अब सड़क पर ही इंसाफ की अदालत लगवाना चाहते हैं। पंजाब में पिछले दो दिनों में बेअदबी के दो बड़े मामले सामने आए हैं। पहले शनिवार को स्वर्ण मंदिर में एक अज्ञात शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश की, तो उसके अगले ही दिन कपूरथला में भी ऐसा ही मामला सामने आ गया। और दोनों ही जगहों पर गुस्साई भीड़ ने आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों में से अब तक किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। दोनों जिंदा होते तो शायद पता चल जाता कि ऐसा करने की आखिर वजह थी क्या और क्या ये किसी साजिश के तहत किया गया। साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? लेकिन अब इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए सियासी विरोधी भी सिद्धू की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। खुद पूरी सरकार के साथ बेअदबी करते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी तो बताना चाहिए उनको। और इस देश में कहीं भी कोई बेअदबी हो, कहीं कोई अगर अपराध करता है, तो उसके खिलाफ भारत में कानून बने हुए हैं, उस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है। अगर जांच करके सजा दी गई होती तो शायद दोबारा कोई हिम्मत इस तरह की नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए, उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। पंजाब में बेअदबी एक बड़ा सियासी मुद्दा है। इस मुद्दे पर सिद्धू ने कभी शिरोमणि अकाली दल को घेरा था, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल को मौका मिल गया है। ओ सिद्धू साहब दा जेड़ा मिसेज गांधी दा मर्डर है कि उन्हें दरबार साहब ते हमला किया, ओदे बारे उन्हां दा की ख्याल है, पहला अपना पब्लिक व्यू करन। दूसरा मनु शेख सिंह भी ट्वीट करता है कि जेड़ा बेअदबी करने वाला सी उन्हें पुलिस दे कोल पेश करना चाहिए सी। सिद्धू साहब कहते फांसी ला देना चाहिए, पहले इन्हों कांग्रेस का स्टैंड भी क्लीयर करना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहिब का मुद्दा सिख समुदाय की आस्था से जुड़ा है, क्योंकि सिख समुदाय गुरु ग्रंथ साहिब को एक जीवित गुरु मानते हैं। हाल के सालों में बेअदबी के कई मामले आए हैं। पिछले साल पंजाब में बेअदबी के 120 मामले दर्ज हुए थे। 2019 में बेअदबी की घटनाएं 180 बार हुई थी। 2018 में सबसे ज्यादा 202 घटनाओं की शिकायत दर्ज हुई थी। 2017 से 2020 तक बेअदबी मामलों की कुल संख्या 721 पहुंच गई है। धर्म कोई भी हो, आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए और जो दहलीज लांघे उसे कानून के रास्ते ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फैसले अगर सड़क पर सुनाए जाने लगे तो कानून का इकबाल खतरे में पड़ जाएगा और ऐसी स्थिति ठीक नहीं। सामने लोगों के ले आके फाह ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। ABP News आपको रखे आगे।